हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप अपने नेम का जियो कॉलर ट्यून रखना चाहते हो तो दोस्तों ये वीडियो आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने नेम का जियो कॉलर ट्यून रख सकते हो कुछ इस तरह से। अगर मैं इस नंबर पर कॉल करूँगा, आप देख सकते हो यहाँ पर। नमस्कार, मैं ममता सोनी बोल रही हूँ। अश्विन जी को फोन करने के लिए धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आप कैसे ऐसे ही अपने नेम का जियो कॉलर ट्यून रख सकते हो बहुत ही ईजी से, तो उसके लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है इस पर क्लिक करिए, और ये जो साथ में बेल का आइकन है इस पर क्लिक करिए, और ये जो ऑल का ऑप्शन है इस पर क्लिक करिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में मैसेज बॉक्स ओपन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो प्लस का आइकन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मैसेज भेजनी होगी 5 6 7 8 9 इस नंबर पे, और यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज में आपको लिखना होगा एल्बम नेम ट्यून। उसके बाद यहाँ पर आपको सेंड के बटन पे क्लिक करना होगा, और ये मैसेज यहाँ पर सेंड हो गए हैं। उसके तुरंत ही बाद यहाँ पर आपको 10 नेम का कॉलर ट्यून शो होगा। अगर आपका नेम इनमें नहीं आता है तो आपको यहाँ पर तुरंत मोर पे क्लिक करना होगा, लिखना होगा यहाँ पर मोर, और फिर से सेंड करना होगा। तो मैं यहाँ पर मोर लिख लेता हूँ और सेंड कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर हमारी मोर मैसेज सेंड हो गए। उसके तुरंत ही बाद यहाँ पर और 10 नंबर के जियो कॉलर ट्यून शो हो जाएंगे। आपको ढूंढना होगा कहाँ पर आपका नेम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर भी आपका नेम नहीं आया तो फिर से आपको मोर लिखना होगा और सेंड करना होगा। तो फिर से ये और 10 नंबर दिखाएंगे। तो आपको ऐसे ही ढूंढना होगा कहाँ पर आपका नेम आ जाएगा, और उसके आगे जो नंबर है आप देख सकते हो यहाँ पर 21 22। आपको यहाँ पर अगर इनमें से किसी एक में आपका नाम आ जाएगा तो आपको यहाँ पर, अगर मेरा नेम यहाँ पर 24 में आता है तो मैं यहाँ पर 24 लिख लेता हूँ, उसके बाद सेंड कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर मैसेज सेंड हो गए। उसके बाद आपको यहाँ पर ये बोल रहा है, यहाँ पर आप रिप्लाई में 1 लिख लीजिए, उसके बाद आपको फिर से 1 लिखना होगा और सेंड करना होगा। तो ये मैसेज यहाँ पर सेंड हो जाएगी, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका इस नेम का जियो कॉलर ट्यून सेट होने में। तो हम वेट कर लेते हैं तब तक, जब तक ये जियो कॉलर ट्यून सेट हो जाएगा हमारे नंबर पे। तो फ्रेंड्स, जब तक आपका नेम नहीं आएगा तब तक आपको मोर मोर पे रिप्लाई देना होगा, और जब आपका नेम आ जाएगा उसके आगे जो नंबर आता है वही आपको एंटर करना होगा, और आपका जियो कॉलर ट्यून सेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये बोल रहा है रिप्लाई वाई कीजिए, तो आपको यहाँ पर रिप्लाई वाई पे क्लिक करना होगा, और ये जियो कॉलर ट्यून आपके नंबर पे सेट हो जाएगा। फ़िलहाल मैं नहीं रख लेता हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए ये सेटअप कर रहा था। तो ऐसे ही आप अपने नेम का जियो कॉलर ट्यून रख सकते हो बहुत ही ईजी से। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।